नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। खबरों की शुरुआत करेंगे सावन से। तो आपको बता दें कि इस बार सावन पर काफी अद्भुत संयोग बन रहा है। सावन इस साल विशेष इसलिए है क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी महीनों का काफी महत्व है, लेकिन सावन का महीना जो है वो बेहद खास माना जाता है। श्रावण मास भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि श्रावण के महीने में जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस बार जो है वो सावन पर काफी अद्भुत संयोग बन रहे हैं। आपको बता दें कि सावन इस साल विशेष इसलिए है क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत जो है वो सोमवार से हो रहा है। आपको बता दें कि सावन का जो महीना है इस बार काफी कितना पड़ेगा ये भी हम आपको बताएंगे इस खबर में। आपको बता दें कि सावन के महीने का जो आरंभ है वो कल यानी कि 22 जुलाई 2024 से हो रही है और ये सोमवार को हो रही है। इसका समापन जो है वो 19 अगस्त 2024 को होगा। इस बार सावन के महीने पर 5 सोमवार पड़ेगा जो बेहद शुभ माना जाता है। 22 जुलाई को सावन का आरंभ होगा 5:30 से। और साथ ही आपको बता दें कि रात के 10:21 पर इसका संयोग जो है वो बना हुआ रहेगा। वहीं प्रतियोग जो है वो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 से शुरू हो जाएगा और 22 को संध्या 6 बजे जो है वो समाप्त हो जाएगा। वहीं तीसरा योग जो है वो है आयुष्मान योग, जो सुबह 5:06 शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यह जो योग है वो 23 जुलाई को दोपहर 2:30 तक रहेगा। आपको बता दें कि सावन सोमवार की तिथियां जो है वो इस बार 5 पड़ने वाली है और वो रहेगी कि 22 जुलाई को पहला सोमवार, 29 जुलाई को दूसरा सोमवार, 5 अगस्त को तीसरा सोमवार, 12 अगस्त को चौथा सोमवार और आपको बता दें कि अंतिम और आखिरी सोमवार जो रहेगा वो 19 अगस्त को रहेगा। आपको बता दें कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने माता पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया था। मान्यता ये भी है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं उसे मनचाहा वर या फिर वधु प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही आपको बता दें कि इससे अलावा राहु केतु का अशुभ प्रभाव जो है वो भी दूर हो जाता है। आपको बता दें कि सावन सोमवार के सभी व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित होते हैं, इसलिए सावन में ये कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। कांवड़ में भगवान शिव के सभी भक्त छोटे छोटे बर्तनों में पवित्र गंगा से जल, साथ ही पवित्र नदियों से जल लेकर आते हैं। साथ ही केसरिया रंग के कपड़े भी पहनते हैं और सभी भक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में भगवान शिव से जुड़कर पवित्र स्थानों पर पैदल जाते हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद वो जल भगवान को अर्पित करते हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो उनसे मांगते हैं। आपको बता दें कि सावन में इस बार आपको कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। तो आपको बता दें कि सावन के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं, घर से नंगे पैर जाएं तथा घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग करें, साथ ही वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। शयन काल में भगवान शिव के मंत्रों का फिर से जाप करें तथा उनकी आरती करें। पूजा की समाप्ति पर केवल जलीय आहार ही ग्रहण करें। अगले दिन
अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत का प्रायण करें। आपको बता दें कि 108 बेलपत्र लेकर भगवान को अर्पित करें, साथ ही हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र जो हैं वो भगवान शिवलिंग पर अर्पित करें शीघ्र। साथ ही आपको बता दें कि सावन के हर सोमवार पर शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर जल धाराएं भगवान को चढ़ाएं। आपको बता दें कि शयन एकादशी के बाद माना जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो योग पे चले जाते हैं, जिसके बाद शिव भगवान जो है वो पूरी ब्रह्मांड में अपना रूप दिखाते हैं और उसी के बाद वो कर्ता धर्ता करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको खबर पे बताया कि कल से जो है वो सोमवार शुरू हो जाएगा, सावन शुरू हो जाएगा और कल ही से सावन का पहला सोमवार भी शुरू हो जाएगा। तो आप मंदिरों में जाए, भगवान की पूजा अर्चना करें और अपने मन्नतों को भगवान के सामने रखें, जिसे भगवान जो है वो पूरी कर सके। तो मेरे साथ इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।